हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेके चलेंगे ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा के ऐसे सेक्टर की विजिट कराएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे जहां पे आप छोटे साइज के प्लॉट जो है वो देख सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, आप ग्रेटर नोएडा में बेहतरीन जगह पे रहना चाहते हैं, तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, जिसके बारे में हम लेआउट पे भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, परीचौक से कितनी दूरी है और कौन सा मेट्रो स्टेशन पास में होगा, और वहां पे भी लेके चलेंगे, ग्राउंड पे भी, ग्राउंड की भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पे मकान बने हुए हैं, रोड वगैरह किस तरीके से है, पार्क वगैरह किस तरीके से है, पूरी जानकारी ग्राउंड की भी मिलेगी। तो पहले थोड़ा मैप पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड पे। तो आप देखेंगे ये है ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान, पूरे ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान है, जिसमें हम देखेंगे आज म्यू वन सेक्टर, कि म्यू वन सेक्टर किस तरीके से है, कैसे हम म्यू वन सेक्टर पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देखेंगे तो ये है आपका नोएडा एक्सप्रेसवे, ये आपका नोएडा एक्सप्रेसवे है, ये आपका सर नोएडा एक्सप्रेसवे है, और यहां हम जाते हैं परीचौक। ये परीचौक है, परीचौक एक मेन प्लेस है ग्रेटर नोएडा में, जहां से सभी दूरियां देखी जाती है कि यहां से कौन से सेक्टर की कितनी दूरी है। तो हम परीचौक से ही, परीचौक मेट्रो स्टेशन भी है परीचौक पे, इससे आगे चलेंगे तो ये 105 मीटर का रोड है जिसपे हम सीधे जाएंगे, तो यहाँ पे डिपो मेट्रो स्टेशन है। डिपो मेट्रो स्टेशन से हम अगर यहां से राइट लेते हैं तो पहले हमें म्यू और उसके बाद म्यू वन सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका म्यू वन सेक्टर है, इसकी अगर यहां से हम दूरी की बात करें, डिपो मेट्रो स्टेशन जो है पाची में डिपो मेट्रो स्टेशन लगता है, तो 2 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है इसकी डिपो स्टेशन से। तो पाची में मेट्रो स्टेशन भी है, अगर हम परीचौक से बात करें तो 7 किलोमीटर के आसपास दूरी जो है वो देखने के लिए मिलेगी यहां से, म्यू वन से आपकी परीचौक की। तो इस तरीके से ये सेक्टर है, काफी बढ़िया सेक्टर है। बाकी हम चलते हैं इसके लेआउट पे, म्यू वन के लेआउट पे, और देखते हैं कि किस तरीके से ये है म्यू वन सेक्टर का लेआउट, जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस साइज के प्लॉट है। यहां पे आपको छोटे साइज के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहां पे आपको सबसे छोटा साइज जो है वो आपको 70 मीटर का देखने के लिए मिलेगा, और उससे बड़ा साइज आपका यहां पे 90 मीटर है, और सबसे बड़ा साइज यहां पे आपका 120 मीटर है। ये आपको यहां पे साइज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सभी छोटे साइज जो है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। यहां पे सभी, जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने निकाले थे तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी बिल्डअप हाउस थे, बिल्डअप हाउस निकाले गए थे, तो इन बिल्डअप हाउस छोटे साइज के, इनको एक सिंगल फ्लोर बना के अथॉरिटी ने सेल किए थे। बाकी आप इसको 2.5 मंजिल जो है वो बना सकते हैं अपने तरीके से, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करके, तोड़ के, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें। बाकी वो जब दिए गए थे तब तो ठीक कंडीशन थी, बाकी धीरे धीरे वो बेकार हो गए, तो अभी इसको अगर हम चाहें तो चेंज करके अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसमें हम बात करें कि किस पॉकेट में किस किस साइज के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये है ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये येलो कलर जो आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में, और कुछ आपको सी ब्लॉक में, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपके 70 मीटर के प्लॉट हैं। ये सभी आपको 70 मीटर के, मोस्टली आपको ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में देखने के लिए मिलेंगे 70 मीटर के प्लॉट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो दूसरा साइज जो होगा वो आपका डी ब्लॉक और सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में आपको 90 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। सभी प्लॉट जो है वो यहां पे, ये सी ब्लॉक में, ये आपको 90 मीटर के देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ आपको बी ब्लॉक में 90 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, 90 मीटर। और सबसे बड़ा साइज जो है वो डी ब्लॉक में, ये आप देख सकते हैं डी ब्लॉक जो है, इसमें आपको 120 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से यहां पे आप साइज देख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें प्राइस की, कि क्या प्राइस है, अगर हम 90 मीटर का प्लॉट यहां पे देखते हैं तो आपको
एक करोड़ के आसपास के रेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे 90 मीटर के प्लॉट के। अगर बात करें 70 मीटर के, तो इसके आपको 80 के आसपास के रेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे 70 मीटर के। अगर हम बात करें 120 मीटर की, तो 120 मीटर के प्लॉट के रेट आपको 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख तक आपको रेट देखने के लिए मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो ये हो गई जानकारी आपको लेआउट की। अब हम चलेंगे ग्राउंड पे और ग्राउंड की वहां से वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट है। तो अभी हम आ गए हैं ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट गेट है म्यू वन सेक्टर का, और ये है 60 मीटर का रोड। जो 60 मीटर का रोड आपको सीधा डिपो मेट्रो स्टेशन जो है उससे लेके आता है। सेक्टर के चारों तरफ आपको 60 मीटर के ही रोड देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अब ये 18 मीटर का रोड है जो मेन गेट से स्टार्ट होता है, इससे एंट्री करेंगे। ये 18 मीटर का रोड है जो एक गेट से हमें दूसरे गेट पे लेके जाता है, 18 मीटर का रोड। अभी हम ये डी ब्लॉक में चलते हैं। डी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। और ये अंदर के रोड जो हैं ये आप देखेंगे, ये 12 मीटर के रोड हैं। और इस सेक्टर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक तो छोटे साइज के प्लॉट होने के बाद भी आप ग्रीनरी बहुत अच्छी देखेंगे और बहुत अच्छे से डेवलप हैं, क्योंकि ये थे तो बिल्डअप हाउस मगर लोगों ने अपने हिसाब से इनको कंस्ट्रक्ट करके अपने हिसाब से वो इसमें रह रहे हैं। और यहाँ पे छोटे साइज के प्लॉट होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रह रहे हैं जो यहाँ पे वर्किंग है ग्रेटर नोएडा में, चाहे किसी कंपनी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, क्योंकि छोटे साइज के प्लॉट हैं और रेंट पे जो लोग रहते हैं मोस्टली छोटे साइज के प्लॉट वो देखते हैं। तो छोटे साइज के प्लॉट होने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोग रेंट पे भी रहते हैं, कुछ लोग अपने मकानों में खुद बना के भी रहते हैं, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। काफ़ी भरा हुआ सेक्टर है इसमें, आप देखेंगे तो आपको 60-65 के आसपास जो है घर में लोग रहते हुए दिखेंगे। ये सबसे अच्छी बात है, दूरी परिचौक से है काफ़ी, मगर फिर भी यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ये बिल्डअप हाउस थे, अथॉरिटी ने बना के दिए थे, उस हिसाब से अब लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको डेवलप कर रखा है अपने घरों को। पार्क भी आप देखेंगे, काफ़ी पार्क जो है इस सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक रोड के साथ जो 60 मीटर का रोड है उसके साथ आपको 75 मीटर का पूरा ग्रीन बेल्ट एक साइड में देखने के लिए मिलेगा, और एक साइड 60 मीटर का जो रोड है उसके साथ आपको 100 मीटर का कॉमर्शियल प्लॉट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि कॉमर्शियल 60 मीटर के साथ साथ कॉमर्शियल पूरी साइड देखने के लिए मिलेगी, जो आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे एक तरीके से जैसे आज अल्फा वन की कॉमर्शियल बेल्ट है उसी तरीके से आपको डेवलप देखने के लिए मिलेगी। ये आप पार्क देखेंगे, पार्क भी आपको इसमें अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ यहाँ पे आपको स्कूल के लिए भी प्लॉट, आपको सी ब्लॉक में स्कूल के लिए भी प्लॉट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, हॉस्पिटल के लिए भी आपको यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको मार्केट के लिए भी, यहाँ पे मार्केट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मार्केट का प्लॉट तो ये भी है। और वो हम आपको मैप पर जानकारी दे ही चुके हैं कि ए ब्लॉक में आपको छोटे साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे 70 मीटर के, उसके बाद सी ब्लॉक में आपको यहाँ पे 90 मीटर, और डी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, रेट पे भी हम बात कर चुके हैं। इस प्लॉट, इस सेक्टर में अगर आप खरीदेंगे आज के टाइम पे, तो आने वाला टाइम बढ़िया रहेगा, आप यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी साइज आप देख रहे हैं छोटा, जैसे 70 मीटर, 90 मीटर या 120 मीटर, वो साइज आप यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। बाकी आप आगे वीडियो देखें किस तरीके से डेवलप है। ये कुछ आपको ग्रुप हाउसिंग के जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये जो एक बहुत ही जरूरी चीज है जो होना चाहिए, मंदिर भी आपको अंदर इसमें देखने के लिए मिलेगा सेक्टर में, ये सबसे अच्छी बात है। और खुला एरिया, एक तरीके से ऐसे लगेगा कि आप इस सेक्टर में जब आएंगे तो कि आप एकदम बिल्कुल हरियाली वाली जगह पे आ गए, ये सबसे अच्छी बात है इस सेक्टर की। चाहे दूरी ज़्यादा है परीचौक से, मेट्रो स्टेशन से भी 2 किलोमीटर की दूरी देखने के लिए मिलती है डिपो मेट्रो स्टेशन से, मगर उतना ही रहने का मज़ा भी काफ़ी अच्छा है इस सेक्टर में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस तरीके के प्लॉट यहां पे खरीदना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में, छोटे साइज के, बड़े साइज के, चाहे रेजिडेंशियल अथॉरिटी के या किसान कोटा आबादी के रजिस्टर्ड प्लॉट किसी भी लोकेशन पे, या आप यहां पे इंडस्ट्रियल प्लॉट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन तीनों नंबरों पे जो नंबर आपको दिए गए। इन तीनों नंबरों में से भी किसी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस आपको ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिलेगा, नियर परीचौक या नियर नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन। परीचौक से पहले मेट्रो स्टेशन है नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन, उसी के बिल्कुल पास में। एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर, एसएनजी प्लाजा, अंसल गोल्फलिंग 1, ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और ग्रेटर नोएडा के प्लॉट के लिए विजिट कर सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो ग्रेटर नोएडा में इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। और आप हमारी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।